वेलकम टू माय चैनल कुक विद जिक्की। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है। व्यूअर्स बहुत डिमांड किए थे, वो रेसिपी आज हम लेकर आ गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे स्पाइसी मसालेदार चाट, जो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आज हम इसी को बनाने वाले हैं। व्यूअर्स का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट किया था। रणवीर, अर्श, आमना परवीन, सीमा, हीना, सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाएंगे। रेसिपी की ओर चलते हैं, देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मसाला मटर चाट बनाने के लिए हमने 1 पाव मटर लिया था। मटर को हमने रात में भिगा दिया था ओवरनाइट। इसे हमने भिगा कर अच्छे से धोकर हमने इसे कुकर में डाल लिया है। मसाला चाट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़े से बॉयल आलू। आलू हमने बॉयल इसलिए कर लिया था, आलू बहुत छोटे थे इसीलिए हमने इसे इन्हें बॉयल करके डाला है। आप इन्हें छील कर भी काट के डाल सकते हैं। 100 ग्राम हमने आलू इसमें ऐड किया है। 2 से 3 हरी मिर्च, इनको हम बीच से तोड़ देंगे इस तरीके से। मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच टेस्ट के साथ। मसाला चाट बहुत आसानी से बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इस चाट के जगह पे सारी चाटें फेल हो जाती हैं। आप इसी को चाट को पसंद करेंगे, एक बार अगर इसे खाएंगे तो बार बार इसी को पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स अब कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं। 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी हमने लगा ली है। कुकर को हम ओपन करके देखते हैं। मटर को भी देख लेते हैं, अच्छे से गल गया। आलू को हम अच्छे से थोड़े थोड़े तोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं तोड़ना है, इन्हें थोड़ा सा क्रश करेंगे। मटर को हम साइड करते हैं। स्पाइसी मसालेदार मटर बनाने के लिए, मसाला फ्राई करने के लिए हमने गैस पे एक पैन रख दिया है। उसमें हम डालेंगे 50 ml तेल। तेल हीट हो गया, हम डालेंगे 1 पिंच हींग, 3 बारीक कटे हुए प्याज, इसे मिक्स करेंगे। प्याज हल्का पिंक हो गया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, 1 से 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। 2 से 3 चम्मच हम ऐड करेंगे पानी, अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला तेल छोड़ दिया है। जलजीरा पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच, इमली का सॉस, आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम 4 चम्मच ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पानी ऐड करेंगे 3-4 चम्मच, इसे हम बॉयल करेंगे। मसाला भी अच्छे से भूंज गया है, अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके मटर रखा था, ये पूरे ऐड कर देंगे। सारे मटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये मटर चाट स्पाइसी मसालेदार बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे करेंगे सर्व और गार्निश। स्पाइसी मसालेदार कितनी ज़बरदस्त चाट बनकर रेडी हुई है, वाह। थोड़ा सा धनिया पत्ती मिक्स कर देंगे। ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर रोस्ट किया हुआ 1 पिंच, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसका टेस्ट डबल बढ़ जाता है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत बनी है, बहुत टेस्टी भी है ये फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे आलू की चिप्स, और भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इसे हम तोड़ करके ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। हम धनिया पत्ती डेकोरेट करेंगे, फाइन कटा हुआ प्याज, 1 पिंच चाट मसाला, इसे ज़रूर बनाइएगा। इसको टमाटो सॉस के साथ लीजिए, अमरूद के जैम के साथ लीजिए, टमाटो सॉस के साथ लीजिए, इमली सॉस के साथ लीजिए, आपको जो भी इसमें पसंद है और भी ऐड कर सकते हैं। मटर चाट बनकर रेडी हो गई, हमने इसे डेकोरेट कर दिया है, सर्व कर दिया, वाह क्या लग रही है। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिए चाट, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी, ये डिश आपको कैसी लगी। मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।